नमस्कार, मैं प्रियंका दयाल स्वागत करती हूँ आपका सत्य केतन समाचार में। और इस वक्त हम मौजूद हैं आदर्श नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 18 यानी कि धीरपुर गांव में। तो जानते हैं यहाँ की जनता से कि इस बार वो दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं, किस विधायक को वो मौका देंगे इस बार की वो विधायक बन सके। बीजेपी के राजकुमार भाटिया को टिकट मिला है, कांग्रेस पार्टी के मुकेश गोयल को और आम आदमी पार्टी के पवन कुमार शर्मा को। देखते हैं इस बार नतीजे क्या निकलते हैं। तो हमारे साथ धीरपुर गांव की एक बड़ी बुजुर्ग मौजूद हैं, जानते हैं इनसे कि ये इस बार दिल्ली में किसकी सरकार चाहती है, तो आप बताइए। अरे हम भाई किसी की सरकार ना चाहते, हमने 6 बार पेंशन के फार्म भरे हैं और हमारे जो है सब उसमें रद्दी में डालते हैं फार्म, जो कोई हमारी पेंशन भरवाएगा हम तो उसे ही वोट देंगे। तो हमारे साथ धीरपुर गांव की कुछ महिलाएं मौजूद हैं, जानते हैं इस बार ये दिल्ली में किसकी सरकार चाहती है, तो आप बताइए। हमें कौन सी सरकार क्या कर रही है, कुछ नहीं कर रही। हमारे यहाँ पर पानी की परेशानी है, कोई सुविधा नहीं हो रही हमारे लिए। गर्मियों में हम पानी के लिए 2-2 महीने इतने परेशान होते, क्या करके जाते, कुछ नहीं करके जाते, देखते हैं चले जाते हैं। क्या करते हैं, हमारे वोट मांगते हैं कि चला जाता है, गर्मी में तो कोई नहीं आते नेता देखने के लिए। क्या सुविधा हो रही है, सुविधा नहीं हो रही, 2-2 दिन पानी नहीं आता, पानी की तो बहुत ही परेशानी है यहाँ पर। कांग्रेस, कांग्रेस की क्यों, कांग्रेस ने क्या किया है? बस पहले तो गया था, फिर बीच में रुक गया, अच्छा फिर जा गया जी। पिल्सन विल्सन बंधवाई कांग्रेस ने, बड़े बुढ़े आदमी इनकी। अच्छा हाँ, उसने भी करा है, केजरीवाल ने भी, पर कांग्रेस ने बढ़िया करा। अच्छा, कांग्रेस ने पेंशन बनवा दी, ये सबसे अच्छा काम है आपके लिए। सारा भरपूर नाज मिलता था, सारा कुछ राशन पानी मिलता था, अब क्या मिलता है, हम लोगों को 4 किलो गेहूं जिससे हमारा पेट भी नहीं भरता। मतलब कांग्रेस करेगी जो करेगी, केजरीवाल ने कुछ नहीं किया काम, बस फ्री बत्ती पानी करे, इनसे क्या हो रहा है। हाँ, चीनी भी नहीं सब बंद कर दी। अच्छा, तो मतलब यहाँ से कांग्रेस पार्टी को वोट दिया जाएगा? नहीं दिया वोट, यहाँ की बात नहीं है, आनी कांग्रेस ही चाहिए। ऐसा है कि पीछे 2-3 बार भी इन्हें याद दिलाया MLA साहब को, जो कहने लगे भाई डलवा देंगे लाइन, डलवा देंगे, और फिर कह के गए भाई डलवा देंगे पानी की लाइन, पानी बोलो ना, पानी नहीं आ। जो आपके यहाँ पर पवन कुमार शर्मा जी पिछले 5 वर्ष से केजरीवाल सरकार से, आम आदमी पार्टी सरकार से रहे थे विधायक, वो क्या यहाँ पर आके कभी उन्होंने ये समस्याएं देखी हैं? देखी तो है, मगर ये पूरी तरह क्लियर नहीं कराते ना। आम आदमी पार्टी से यहाँ के विधायक चुने गए थे पवन कुमार शर्मा जी, क्या वो यहाँ पर कभी आए हैं समस्याओं के देखने? सिर्फ वोट मांगने, वोट मांगने, समस्याओं के लिए कभी नहीं आए? कोई नहीं आया, पूछो किसी से भी, कभी देखा भी नहीं गली में आके। अच्छा, मतलब ना ही कभी आए समस्या देखने, ना ही यहाँ का निपटारा हो रहा है? नहीं, सिर्फ एक लाइन घेर दी पानी की, ये दिखा दिया हम काम कर रहे हैं, वो चालू भी नहीं है लाइन तो। अच्छा हाँ, और वो समस्या यहाँ की, और वो सारी सीवरों की समस्या, पानी की समस्या, और क्या समस्या, किसी के पहचान पत्र नहीं है, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी को राशन नहीं मिल रहा, जो महिलाएं अभी विधवा हैं उनकी पेंशनों के लिए कोई सुनवाई नहीं करे, जाओ ऑनलाइन करवा, ऑनलाइन वाले कहते हैं हमने तो डाल दिया। मतलब केजरीवाल सरकार रही थी दिल्ली की 5 साल में, तो 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया भैया, यहाँ देरपुर में तो नहीं किया, बाकी कहीं करा होता मैं जवाब नहीं दे सकती उसका तो।